आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, आइए नजर डाल लेते हैं। प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर प्रदेश के सभी अध्यापक गणों को बधाई दी। इसके साथ ही एक विशेष कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि शिक्षक सिर्फ शिक्षक नहीं होता है बल्कि राष्ट्र और समाज का योजक होता है। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि स्कूल चलो अभियान के तहत स्कूलों में छात्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। राजधानी लखनऊ के लेवान होटल में भीषण आग लग गई जिससे होटल में मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। जानकारी के मुताबिक होटल में कई लोगों के फंसे होने की बात कही जा रही है जिनमें से अभी तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग सिविल अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं सीएम योगी और डिप्टी सीएम ने सिविल अस्पताल पहुंचकर पीड़ितों का हालचाल जाना है। अलीगढ़ की थाना इगलास क्षेत्र के गांव नगला फलार में लंबे समय से दो पक्षों में जमीनी विवाद चल रहे थे। विवाद में गोली मारी की गई जिसके एक शख्स से गोली लगने से घायल हो गया जिससे गुस्साए परिजनों ने अलीगढ़ मथुरा रोड को जाम कर दिया है। मौके पर पहुंचे पुलिस परिजनों को कड़ी मशक्कत के बाद समझाने में कामयाब हुई और आरोपियों को कार्यवाही की बात कह रही है। किसने मारी गोली? हमारे बच्ची तेज चल रहा था उसने मारी और हमको हथियार कट्टा लेके घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे। किस चीज़? एक बार हमला और हुआ घर में घुस के मारपीट कर गए साहब। किस चीज का केस चल रहा है? जमीन का। किसने मारी गोली? किसने मारी गोली? जाति के वगैरह हम जाटव है इसीलिए हमको सताया जा रहा है। कौन देखने गया था? कौन देखने गया? अच्छा क्या नाम है उनका? अच्छा फिर क्या हुआ? फिर वो देख के वो वापसी आ रहा पीछे थे गांव ने गोली मार दी। अच्छा क्या नाम है जिसने गोली? गोली लगी का उनकी। अच्छा कब की घटना है ये? अभी की घटना है। वृंदावन में भादो शुक्ल पक्ष अष्टमी को भक्ति वेदांत स्वामी मार्ग के पास चंद्रोदय मंदिर के भक्तों ने श्री राधा रानी के प्राकोत्सव में राधा अष्टमी महामहोत्सव के रूप में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस दौरान भक्तों ने मंदिर प्रांगण को पुष्पों व रंगोली द्वारा बड़े ही मनोहर रूप से सुसज्जित किया गया। इसके साथ ही श्री राधा वृंदावन चंद्र की धूप आरती नवीन पोशाक धारण फूल बंगला झूलन उत्सव छप्पन भोग एवं अखंड हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया गया। मैं तो ब्रज की हूँ, आगरा की बेटी हूँ, मथुरा की बहू हूँ। हमारे तो रग रग में राधा और कृष्ण बसे हुए हैं। उनका जितना आशीर्वाद दे लो उतना कम है। ऐसे हम लोग तो कम जाते हैं। इतना भव्य आयोजन जो आज हुआ है राधा अष्टमी के अवसर पर, राधा रानी जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, पूरे ब्रज में क्या पूरे भारत में पूरी दुनिया पर बनी रहे, सबका कल्याण। हरे कृष्णा। आज तो राधाष्टमी का पावन पर्व है। इसी दिन 5000 साल पहले राधा रानी का अवतरण इधर रावल में ही हुआ था, तो उसका इसी फेस्टिवल का हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। वृंदावन चंद्रोदय मंदिर एक बड़ा उत्सव हुआ है आज। बहुत सारे लोग आके इधर मंदिर में जो भगवान का झूलन सेवा है उसके बाद में अभिषेक सेवा है। लखीमपुर में निघासन थाना क्षेत्र के दोबहा में सड़क हादसे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बाजार से सामान लेकर घर आ रहे एक अधेड़ को सामने से आ रहे बाइक सवार ने टक्कर मार दी जिससे अधेड़ गंभीर रूप से घायल हो गया और इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। लोग बाइक पर सवार थे, टक्कर मार दी सामने से। हाँ। ये घर जा रहे थे, थोड़ा सामान लेने आए थे चौराहे पे। दोबारा कितने टक्कर मारी? 3 लोग बाइक पे सवार थे। अच्छा, ये पैदल जा रहे थे? जी पैदल जा रहे थे, बिल्कुल घर अपने कच्ची घूम रहे थे। हाँ। अच्छा फिर गाड़ी इतनी तेज थी कि वो नियंत्रण नहीं किया, उन्होंने जान के बिल्कुल सामने से जान के मार दिया। जी भाई मरे कहाँ पे? वहीं सर, वो जैसे लगे हम लोग जब तक आए, आस पड़ोस लोगों का काफ़ी लोग आए। बाइकें पकड़ ली गई? जी वही पड़ोस वालों ने पकड़ी है। वो क्या नशे में तो नहीं थे? ये सर नहीं, हमें पक्का पता है। तो वो उनकी मृत्यु वही मौके पे हुई होगी या अस्पताल पे गए थे? नहीं मौके पे।
संभल की तहसील गुन्नौर क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टर को बचाने के लिए नोडल अधिकारी एवं फार्मासिस्ट का नया खेल देखने को मिला। जानकारी के मुताबिक एक दिन पहले छापेमारी के दौरान झोला छाप डॉक्टर से लेनदेन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में फार्मासिस्ट दीपक यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं। वहीं नोडल अधिकारी डॉक्टर मनमोहन शर्मा ने झोला छाप डॉक्टर से साठ गांठ कर स्वास्थ्य विभाग की टीम के खिलाफ SDM को प्रार्थना पत्र दे दिया। संभल जिला में माननीय जिलाधिकारी महोदय ने मुहिम चला रखी है झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ। मैंने एक झोला छाप डॉक्टर की शिकायत की थी, जिसमें माननीय DM साहब जिलाधिकारी महोदय ने तुरंत कार्रवाई करके डॉक्टर मनमोहन शर्मा को झोला छाप डॉक्टर की शिकायत पे ही आए वहाँ, और उन्होंने वहाँ छापेमारी की। छापेमारी के दौरान डॉक्टर मनमोहन शर्मा ने वहाँ मरीजों को नीचे भगा दिया, और नीचे भगाने के बाद उस डॉक्टर से अमित क्लिनिक नाम से अमित चलाता है अमित क्लिनिक भारती में, उससे 60,000 रुपये लेके और चले गए, और जिसकी 60,000 रुपये की वीडियो मेरे पास है। गाजियाबाद के थाना मोदी नगर में पुलिस और बदमाशों के मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने दो बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके चलते चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर पर गोली लग गई, जिससे बदमाश घायल हो गया। घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही मुठभेड़ के दौरान भागने का प्रयास कर रहे दूसरे बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। चौक के क्षेत्र मोदी भवन थाना मोदी नगर पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें से जो है एक अपराधी के पैर में गोली लगी है और एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनकी पहचान जो है निशान और मोहित के रूप में हुई है। इनके पास से जो है पूछताछ में इनके द्वारा जो है मोदी नगर क्षेत्र में जो है जो कादराबाद में जो की घटना हुई थी और खंजरपुर में जो की घटना हुई है इनके द्वारा स्वीकार किया गया है। इनके पास से दो अदद मोबाइल और एक मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। घायल को उपचार अस्पताल रवाना किया गया है, आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। खबर गोंडा से है, जहां खतरे के लाल निशान से उभर रही है घाघरा और सरयू घाघरा का लगातार बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए आफत बन गया है। बाढ़ से प्रभावित लोग अपना घर गृहस्थी के सामान के साथ कहीं ऊंचे स्थानों पर ठिकाना बनाने का कर रहे हैं, तो कहीं लोग पलायन करने को मजबूर हैं। अब देखने वाली बात होगी कि प्राइम TV द्वारा इस मुहिम को उठाने के बाद बाढ़ से प्रभावित लोगों की प्रशासन कब तक इन लोगों की मदद करेगा। भरा घर अब क्या गांव का नाम बताओ? बहादुरपुर। क्या क्या दिक्कत हो रही है आप लोग? अरे साहब बहुत बहुत दिक्कत थी पानी से। शायद कहाँ गए थे? यही पनी में रही था, और कहाँ जाए गए कहाँ? भूसा ने गंदा। अधिकारी कोई अभी यहाँ है आप लोगों के? क्यों नहीं है साहब? क्या दिक्कत होती है आपको? पानी कितना हो गया? अब पानी घाट से ऊपर हो जाता है। खेती पाती सब कट गए, नदी में गिर गया, घर द्वार सब कट गया, कुछ रह नहीं गवा रही। देखा था सब उजार कुरिया हम सब है। अच्छा किसी की तबीयत खराब होगी तो कैसे आप लोग? अरे आप कैसे कि तो हल्का जाए कि तो भगवान भरोसे रहे कि तो कहो नाव भाड़ा मिले तब तो जाए, और कैसे जाए। खाना कैसे बनाती है? अब खाने आने थप बने खटिया बने पलंगा पे है कुल बना था, और कहा लकड़ी वकड़ी जो हेरे ढूंढे मिले थे तो आवा थे साहेब। लोगों के लिए दिन पर दिन मुसीबत बनती जा रही है। घाघरा अपने लाल निशान से 23 सेंटीमीटर ऊपर बह रहा है, और आज हम पहुंचे हैं चंदापुर कटोली। वो बांध है जिसकी विनाश लीला पिछले साल जमकर देखने को मिली थी। हम आपको यहां की तस्वीरें दिखाएंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो प्रशासन के दावे और जो वादे हैं वो धरातल पर क्या कुछ बयां कर रहे हैं। इसके पीछे सैकड़ों ऐसे गाँव और मंजरे हैं जिसकी जद से बचने के लिए ये बांध बनाया गया है, और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बांध किस तरीके से बनाया गया है। जो बांध बनाए गए हैं उसे बोल्डर से पिचिंग होनी चाहिए, लेकिन कहीं भी इस पूरे बांध पर बोल्डर नज़र नहीं दिख रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ की तस्वीरें दिख रही है, और जिस तरीके से लगातार हर साल बाढ़ की विभीषिका से सैकड़ों मंजरे गुजरते हैं, आखिरकार ऐसे लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? सवाल कई खड़े होते हैं, लेकिन हम आगे भी चलेंगे
आगे की भी तस्वीरें दिखाएंगे कि जिस तरीके से कई गांव और मंजरे बाढ़ की चद में आ गए हैं, और ये तस्वीरें जिस तरीके से जो बांध हैं, जो बनाए गए हैं बांध, उसकी सुरक्षा के लिए जो बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं, बाढ़ चौकियां तो यहां बनी हुई है, यहां कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी संडे का बहाना बनाकर नदारद दिखें। गोंडा से राशिद खान, प्राइम। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां सभी गणेश उत्सव की धूम है। आपको बता दें कि गणेश उत्सव को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं श्रद्धालु अपने घरों में गणेश जी की स्थापना की है, साथ ही कृष्णा वाटिका में गणेश उत्सव समिति संस्था ने भव्य स्थापना कर पूजा अर्चना की। इसके बाद भव्य धार्मिक झांकियों का मंचन किया गया। इसमें पूजा अर्चना की कई अतिथि भी शामिल रहे। गणेश उत्सव के पावन पर्व पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप जानते हैं कि धार्मिक कार्यक्रमों आयोजनों में व्यापक छूट मिली है, और हिंदू धर्म के अनुयायी जितने हैं वो कार्यक्रम धूमधाम से मना रहे हैं। चाहे गोला में अभी कांवरतियों का रिकॉर्ड टूटा, 5 लाख कांवरती एक एक दिन में आए हैं, ऐसे ही आज गणेश उत्सव नगर में पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा। कुछ लोगों ने घर में गणेश जी की प्रतिमा का स्थापना कर रखी। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में बदमाशों ने एक डॉक्टर को मारकर बुरी तरह घायल कर दिया है, जिसके बाद घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि पीड़ित डॉक्टर अपने पिता को अस्पताल से लेकर आ रहा था, तभी एक ऑटो चालक अपने साथी के साथ डॉक्टर पर ताबड़तोड़ हमला किया। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। फादर को मॉर्निंग में लेके आया घर पे, मैंने अपने फादर को घर पे शिफ्ट किया। शिफ्ट करने के बाद फिर मैं अपनी ड्यूटी वापस जा रहा था हॉस्पिटल, तभी एक ऑटो चालक आया और ऑटो चालक ने मेरी गाड़ी में साइड से मार दिया आगे, बम्पर गाड़ी का डैमेज हो गई गाड़ी। तो उसके बाद मैंने उससे उतर के कहा भाई ये क्या है, क्या नहीं, क्यों मार दिया तने। तो उसने फिर कुछ लड़कों को बुलाया, और फिर जैसे ही मैं आगे चला तो उन लड़कों ने मेरी गाड़ी की खिड़की खोल और मुझ पर घूंसे मारना, लात घूंसे मारना चालू कर दिया। गोंडा में ककरहावा रनियापुर थाना क्षेत्र में एक बुजुर्ग व्यक्ति की अपहरण कर हत्या कर दी गई, जिसकी शिकायत पुलिस में की गई। इसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल बरामद की है। थाना अध्यक्ष और उनकी टीम के द्वारा आज दो अभियुक्त प्रवीण तिवारी और रामकृपाल पाठक और बड़कों को गिरफ्तार किया गया है। इसके संबंध में स्पष्ट करना है कि जो ये अभियुक्त है ये प्रवीण तिवारी, इसके द्वारा 16 अगस्त को थाने में अपने पिता श्री राम सेवक तिवारी की गुमशुदगी का प्रार्थना पत्र दिया गया था। बाद में इसके द्वारा जो है फिरौती हेतु अपहरण का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस के द्वारा छानबीन की गई, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार कई टीमें लगाई गई, स्वाट को लगाया गया, सर्विलांस को लगाया गया टीम को, और कई थानों की पुलिस टीम के द्वारा आज इस घटना का अनावरण किया गया है। इनके पिताजी की जो डेड बॉडी थी 2 दिन बाद नहर से बरामद हुई थी, डेड बॉडी बोरे में भरी थी, उसमें ईंटें डाले गए थे। अलीगढ़ में मामला थाना गांधी पार्क के मोहल्ला दुबे की पड़ाव एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक ट्यूशन पढ़ने गई नाबालिग को आरोपी ने अकेले पाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया, जिसकी शिकायत परिजनों ने गांधी पार्क में थाने में जाकर की है। सर ये मुझको परेशान करता था बहुत दिनों से, एक महीना मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ाया था, ये मैंने बोला था तू पढ़ लेगी थोड़ा बहुत सही रहेगी, तो मैं पढ़ी थी, एक महीना हो गया मुझे पढ़ा हुआ, छोड़ दिया। फिर मैंने मम्मी बोलती थी फिर तू क्यों नहीं जा रही स्कूल, मैंने कहा अब मैं नहीं जा रही ट्यूशन पढ़ने, मैंने जाऊँगी, तो कह रही क्यों नहीं जा रही, मैंने उनको बताया नहीं डर के मारे, कि मैंने कहा मेरे भाई मार देंगे, ये तो कह रहे थे कि तेरे भाई ने कुछ नहीं करूँगा, ये तेरे भाई को मार दूंगा, जाना था तेरे भाई को इकट्ठा करवा, सनी नाम का लड़का था, सनी कहाँ रहता है ये दुबे की सराय रहता है, मेरी गली से 2 गली छोड़ के बस उस गली में रहता है। कितने समय से ये तुम्हें परेशान कर रहा था? करीब 4 महीने हो गए।
कुशीनगर में कस्या पुलिस ने सरकारी स्कूलों समेत कई जगहों पर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। इसके साथ ही चोरी किए गए सामान के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वहीं बरामदगी और गिरफ्तारी के आधार पर थाने में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। पिछले कुछ समय में थाना क्षेत्र कस्या के प्राथमिक विद्यालयों में चोरी की घटनाएं हुई थी, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा निर्देशित किया गया था। इस क्रम में थाना कस्या की टीम का गठन किया गया था। उसी निर्देश के क्रम में मुखबिर की सूचना पे आज दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनसे पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि जो भी प्राथमिक विद्यालयों में इधर बीच की चोरियाँ हैं उनके द्वारा कारित की गई है। मऊ से कोपागंज के लिए जा रहे बाइक और ट्रैक्टर में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूत्रों के मुताबिक मऊ से दो लोग बाइक से कोपागंज के लिए जा रहे थे। ठाडी चट्टी के पास ट्रैक्टर से टक्कर हो गई, जिसके बाद आनन फानन में आसपास मौजूद लोगों की मदद से अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। आदतपुरा निवासी एक लड़का है मनीष राजा, उम्र लगभग 20 वर्ष, और हम लोगों को पता चला कि कहीं बाइक एक्सीडेंट से इसकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। जब तक हम लोग हॉस्पिटल भाग के आते, डॉक्टर से बात करते, तब तक डॉक्टर ने पहले ही मृत घोषित कर दिया था। परिजन को बुलाया गया, परिजन की स्थिति आप देख ही रहे हैं। नौजवान बच्चा था 20 साल का, 18 महीने का एक बच्चा और पत्नी छोड़ के। खबर सुल्तानपुर से है, जहां लियाकती संपत्ति के मालिक मोहम्मद अली के संपत्ति का ब्यौरा मिलना शुरू हो गया है। बता दें कि इसकी शिकायत देश के मुखिया समेत राज्य के मुखिया तक की गई, तो वहीं शिकायतकर्ता ने 25 सालों में बने धन कुबेर मोहम्मद अली ईडी से निष्पक्ष जांच की मांग की है। जो मोहम्मद अली हैं, ये गल्ला माफिया, इनकी संपत्ति भी बनाए 75-80 बना मिली है। इनके चार इनके कई वो है, मुस्कान टावर है, राइस मिल है, और बनकर बिल्कुल मार्केट बनवाए हैं, और एक मवरिया में है, और ये घूम माफिया है। ईडी का कंप्लीटर 200 रजिस्ट्री कर दी आज तक मैंने, हमने उसको भी दिया है, क्या नाम, मोदी को दिया है, योगी को दिया है, ईडी को भी दिया है। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।